नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं VS गांधी और आप देख रहे हैं गांधी टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जो स्टार्टर होता है यानी कि टू स्विच का स्टार्ट होता है, एक ग्रीन का होता है एक रेड का होता है इस प्रकार से, तो इसमें दोस्तों हम 5 वायर का यानी कि जो 5 वायर का ऑटो स्विच होता है उसको किस प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से आसान भाषा में मैं आपको ये समझा दूंगा, ठीक है। दोस्तों जो आपने इस प्रकार का स्टार्टर देख रहे हैं इसमें हमको ये कनेक्शन करना है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आपने काफ़ी टाइप के ऑटो स्विच देखे होंगे, है ना, तो सारे ऑटो स्विच का कनेक्शन थोड़ा अलग अलग होता है, तो इसमें 5 वायर का ऑटो स्विच है। इस प्रकार के ऑटो स्विच में दोस्तों हमें 2 ब्लैक वायर के, एक रेड का, एक येलो का, एक ब्लू का, यानी कि 5 वायर मिलते हैं, जिसमें हमारा एक फॉल्ट का इंडिकेटर होता है, डिले का इंडिकेटर होता है, पंप का इंडिकेटर होता है, ठीक है, ये स्विच है ऑन ऑफ करने का, ठीक है, ये 5 वायर का, ठीक है। और हमारा जो ऑटो स्विच यानी कि स्टार्टर होता है जो कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें ये 3 टर्मिनल होते हैं जो आपका L1 L2 इधर या फिर बीच में कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। काफ़ी मॉडल हैं जो एडजस्ट किए हुए हैं, जैसे कि मेरा A1 B1 C1 A2 B2 C2 L1 L2 L3, यानी कि एक मरी मोटर के एक कोयल के वायर है। पहली कोयल को मेरे को यहाँ पे कनेक्ट करना है, दूसरी कोयल को मेरे को यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे मेरी जो ट्रांसफार्मर से लाइन आती है वो कनेक्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों आप ध्यान रखें कि जो रेड वायर में इस टर्मिनल में आपका एक फेस से वायर आता होगा, ठीक है, इस प्रकार का एक फेस से वायर आता होगा, उस वायर को दोस्तों आपको यहाँ से हटा देना है या फिर यहाँ से आपको इस समय से हटा के दोस्तों यहाँ पे इसको आपको इंसुलेशन या टेप वगैरह कुछ भी, आप इंसुलेशन टेप बढ़िया से अच्छे से करके इसको आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात दोस्तों ये होती है कि इसमें हम कनेक्शन किस प्रकार से करें, यानी कि दोस्तों मेरे पास में ये 2 ब्लैक वायर हैं, इन दोनों ब्लैक वायरों को मेरे को दोस्तों L1 L2 में लगा देना, यानी कि यहाँ पे दोनों ब्लैक लगा दिए, यहाँ पे मेरे को ब्लू वायर लगाना है L3 पे ओनली। ये ध्यान रखें दोस्तों जहाँ पे ये आपका कनेक्ट हो रहा होगा वायर उसी पे ब्लू वायर को लगाना है, यानी कि जो मेरा यहाँ से जो ब्लू वायर है इसको मैं यहाँ से ले आऊँगा दोस्तों यहाँ पे। इतना करने के बाद में दोस्तों आपकी जो ये लाइन है जो चालू होती है, उसके बाद में दोस्तों आपकी जो लाइन फॉल्ट बोलती है तो इसको आपस में आप एक्सचेंज कर दो, यानी कि ब्लैक को यहाँ से हटा के यहाँ पे कर दो और ये इसको यहाँ कर दो, यानी एक्सचेंज कर लो फॉल्ट का, ठीक। जब आपकी डिले बोलती है तो इसका मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो टाइट है, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या होता है, 2 वायर बचते हैं, रेड और येलो, यानी कि पीली और नीली वायर बचती है। इस वायर को आपको क्या करना है दोस्तों, पीली वायर को आपको यहाँ करना है ग्रीन वायर के जो ये है ना ग्रीन स्विच, इसके इस टर्मिनल पे यानी कि लेफ्ट साइड वाले पे आपको ऐड कर देना है यहाँ पे पीली वायर, ठीक है दोस्तों। और रेड वायर को आपको जो ये टर्मिनल आपका खाली हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ से हटा दिया वायर, और हटाने के बाद में इसको इंसुलेशन टेप कर दिया और यहाँ पर आपको रेड वायर ऐड करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा कनेक्शन हो जाता है। अगर दोस्तों आपको ऑटो स्विच के बारे में अगर कोई और भी डाउट हो, 5 वायर का, 6 वायर, 7 7 8 9 जो भी ऑटो स्विच हो सारे मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ। अगर दोस्तों इसके अलावा भी आपको कोई शंका है तो मेरे को कमेंट करें और क्वेश्चन करें दोस्तों कि हमारे ऑटो स्विच में ये प्रॉब्लम आ रही है, रिपेयरिंग के बारे में भी सारी कुछ मैंने इसमें वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।